लंदन से जो खबर आ रही है इस वक्त, जबरदस्त बारिश हो रही है, लेकिन ये आसमान से बारिश नहीं हो रही है बल्कि रनों की बरसात हो रही है। और टीम इंडिया के लिए, भारतीय फैंस के लिए ये अच्छी खबर है, क्योंकि 350 के करीब ये आंकड़ा पहुंचता जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त, हम आपको बता दें, लंदन से, जहां पर कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला चल रहा है भारत का, और इस वक्त टीम इंडिया काफी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रही है। पहले बल्लेबाजी करते हुए और विराट कोहली हालांकि यहां पर आउट हो गए हैं, लेकिन बड़ा स्कोर यहां पर खड़ा किया है टीम इंडिया ने। और जिस तरह से बात हो रही थी कि भारत को 350 के आसपास पहुंचना चाहिए, बिल्कुल ऐसा होता हुआ, हालांकि 82 रन के स्कोर पर कोहली आउट हो गए हैं। भारत का स्कोर इस वक्त बढ़ता हुआ 350 के करीब, 117 रन बनाए शिखर धवन ने, और उसके बाद लगातार रन आगे बढ़ता हुआ, स्कोर आगे बढ़ता हुआ। तो धवन ने सबसे ज्यादा 117 रन बनाए, और जिस तरह से सुशांत ने कहा था यहां कि गब्बर जो है उनकी गर्जना सुनाई पड़ेगी, और ऐसा ही हुआ। श्री, इस पारी के बारे में बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे पूरे यकीन था कि शिखर को इंग्लैंड में स्कोर करेंगे, और ओवल से अच्छा, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इतना अच्छा एक मौका मिला और उन्होंने कर दिखाया, और बहुत अच्छा के लिए, अच्छा होता है टूर्नामेंट के लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि राहुल ने 100 मारा था प्रैक्टिस मैच में, धोनी भाई भी फॉर्म में आया हुआ है, धोनी भाई ने 100 मारा है, अभी शिखर ने भी मारा, रोहित ने मारा, अभी चार मैच में 400 हो गया हमारे हिंदुस्तान की टीम से ही, तो इट्स ग्रेट साइन। तो वही कंटिन्यू रहना पड़ेगा, अभी 350 वी वर टेलिंग 330 to 360 वही होगा, और वही अच्छा स्कोर बना हुआ है, और अच्छा लग रहा है कि ओवरकास्ट कंडीशन आ रहा है, तो इट विल वो हमारी बॉलर्स के लिए यू नो हेल्प करेगा। और जैसे सर ने बोला यू नो अगर जैसे हम लोग बोल रहे थे कि आगे रखेंगे भुवनेश कुमार और बुमराह के साथ देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा विकेट में अगर हमारे बॉलर्स अगर अच्छा डाले तो 250 भी ओवरकास्ट कंडीशन में वी कैन गेट दम ऑल आउट बिफोर 250। बिल्कुल, यानी कि 100 से ज्यादा रनों से जीत यहां पर तय दिखाई पड़ रही है। और शिखर के लिए यहां पर कहा था, और शिखर ने उसी अंदाज में बल्लेबाजी भी की, और आपको बता दें बड़ी खबर, वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का विशाल स्कोर यहां पर बना है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 353 रन का लक्ष्य दिया है, काफी मुश्किल ये लक्ष्य होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए। वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का ये स्कोर 350 के पार, 353 का लक्ष्य यानी 352 रन बनाए हैं टीम इंडिया ने। मनिंदर जी, जिस तरह से रनों की बरसात हो रही थी, श्री तो काफी खुश हैं, श्री संत, क्योंकि केरल में उधर बारिश हो रही है और यहाँ लंदन में ओवल पर रनों की बरसात हुई है, 353 रन का लक्ष्य किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही सेंसिबल बैटिंग की है इंडियन टीम ने, जिस तरह से पहले जो 10 ओवर थे उसमें विकेट ही नहीं दी ऑस्ट्रेलिया के बोलर्स को, उसके बाद हमने देखा किस तरह से हौसले पस्ती हो गए ऑस्ट्रेलियन बोलर्स के, क्योंकि ये पिच बैटिंग के लिए बहुत बढ़िया थी, इसमें तो कोई शक की बात नहीं थी। और यहाँ पर बहुत ज़रूरी था कि आपके जो पहले तीन हैं इंडिया के, अगर आप पहले तीन को देखें, जब भी रन्स बनाते हैं मैच के ऊपर एक असर बनाते हैं, और आज फिर से वही देखने को मिला। रोहित ने बढ़िया बैटिंग की, हालांकि उन्होंने 70 बॉलों का सामना किया अपने 57 रन बनाने के लिए, लेकिन कितनी बढ़िया पार्टनरशिप की शिखर धवन के साथ, शिखर धवन का लय में आना इंडियन टीम के लिए बहुत बढ़िया साइन है। मैं कहूंगा विराट कोहली ने भी जो 82 रन बनाए, ये भी सेंचुरी के बराबर है। और फिर एक सेंसिबल मूव किया, हार्दिक पांड्या को ऊपर भेज दिया, उन्होंने 22-23 बॉल में 44-45 रन बना दिए, बहुत तेजी से वो रन बनाए जिसकी बदौलत आप स्कोर पर पहुंचे। और फिर धोनी ने भी आके 14 बॉलों में 27 रन बनाए। सो आई थिंक ये टीम ऐसी है जिसने लय पकड़ ली है, और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जब आप इस तरह की क्रिकेट खेलें, मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब ये मैच यहां से ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत नहीं सकती जो इंडिया की टीम की बॉलिंग है, इंडिया की टीम हार सकती है केवल अगर खराब बॉलिंग और खराब फील्डिंग करते हैं। चलिए दामिनी, आप तो बहुत खुश होंगे, 350 के आसपास की हम बात कर रहे थे और कुछ वैसा ही स्कोर यहां पर, उससे ज्यादा ही, 353 का बड़ा सा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया के सामने रख दिया है टीम इंडिया ने। हाँ बिल्कुल, खुश तो मैं हूँ ही, साथ में गब्बर ने इतना अच्छा खेला और रोहित कोहली सबने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मैं उम्मीद करूंगी अब हमारे बॉलर्स भी बहुत काफी अच्छा खेलें। बॉलर्स में भी कुलचा के जैसे पिछली बार परफॉर्मेंस थी, तो वैसे ही मैं इस बार चाहती हूँ कि वो भी अपनी चहल पहल मचाएं वापस आकर। बिल्कुल सुशांत, ऐसा लगता है कि गब्बर इस बार चले, रोहित अर्धशतक बनाए, हालांकि शतक की तरफ नहीं बढ़ सके, इस बार लगता है कि कुलदीप पिछले मैच में उस तरह से जलवा नहीं दिखा पाए थे, चहल 4 विकेट लेने में कामयाब रहे थे, इस बार कुलदीप भी आगे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। जरूर, जैसे
पहले तो मैं बोलूंगा सर ने पहले बोला था अगर 10 ओवर पे अगर विकेट ना गिरे तो अच्छा स्कोर बन सकता है 350 के ऊपर, जब आपने शो से पहले उनसे पूछा था तो वही हुआ, 350 के ऊपर स्कोर हुआ है और अभी बॉलर्स के ऊपर है जैसे और अभी यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के 10 ओवर से पहले 2-3 विकेट गिरा देने चाहिए। मैं छोटा सा एक हम्बल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हमारे बांग्लादेश के खिलाफ 350 के ऊपर रन बनाए थे हम पहला वर्ल्ड कप मैच में 2011, उस वक्त पे रिलैक्स नहीं हो सकते क्योंकि कोई भी टीम हो और ये ऑस्ट्रेलियन टीम है और उनका बैटिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं इतना बोलूंगा और का कंडीशन में भी उनको आदत है क्योंकि एशेज वगैरह जो भी है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में क्रिकेट खेले है और हमें ये ध्यान रखना होगा कि बुमराह और अच्छा शुरुआत करे, पहले 10 ओवर पे उनके 2 विकेट निकाले और जब टैंडम में बॉल करेंगे वो कुलचा आई थिंक कुलदीप एंड चाहल शुड बॉल रियली वेल, क्योंकि अगर कॉम्प्लेसेंसी आए 350 से वाला फीलिंग आए एक बंदे को भी टीम में, सबको पता है कि वो एक वो हो जाता है अफेक्शन हो जाता है तो वो अफेक्ट करेगा, तो इसलिए मेरा ही दुआ होगा कि जितना जल्दी हो सके उनको ऑल आउट करे, मत सोचे कि हमारे पास 350। देखिए हमारे तक पास साउंड एक्सपर्ट जो है उनकी आवाज तो आ रही है, पैनल से आवाज नहीं आ रही है लेकिन रविश बिस्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं लंदन से, ये बात जरूर सामने आई। रविश आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह का ये लक्ष्य है 353 रन का, किस तरह से इसे देखा जा रहा है, जबरदस्त रनों की बरसात भारतीय बल्लेबाजों ने की है। जी हाँ करुण, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि धूप काफी खिली हुई थी और बहुत अच्छी कंडीशन थी बल्लेबाजी के लिए, एक अच्छा टॉस विराट कोहली ने जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया, बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज विकेट जिसमें कह सकते कोई मूवमेंट नजर नहीं आ रहा था गेंदबाजों के लिए, तो एक अच्छा ट्रैक था और उसका पूरा फायदा उठाया। और आप इस समर्स को अगर आप देखें, चाहे पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज रही हो या वर्ल्ड कप के कई मैचेस रहे हो, 300+ एक कह सकते हैं कि आम बात हो गई है बनना, जिसमें बारिश पड़ गई हो या थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन आ गई, उस मैच में थोड़ा लो स्कोरिंग हुए पर्टिकुलर वो मैच जहां पे ड्रिजल हुए, अदरवाइज जिस मैच में भी सन अच्छा खासा दिखाई दिया उसमें फर्स्ट टीम ने 300 या 350 का स्कोर वहां पे पोस्ट किया, यहां पे भी ऐसा ही है। अभी लेकिन मैं फिर से आपको बताऊं कि कंडीशंस चेंज हो रही है, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा कि धूप जा चुकी है, ओवरकास्ट कंडीशन आ रही है, यानी कि दिक्कत जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए होने वाली है। और जो पहले ओवर्स होंगे, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार वो अच्छा स्विंग करा लेते हैं बॉल को इन टाइप की इस कंडीशंस में, आपके पास बुमराह हैं तो ओवरकास्ट कंडीशन आ गई, धूप अभी जा चुकी है। अभी चलिए यानी टीम इंडिया के पक्ष में सब कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। रवीश आप नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे यहाँ अपडेट लेंगे, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला हुआ था और टीम इंडिया बैकफुट पर दिखाई पड़ी थी, यहाँ पर बिल्कुल उल्टा हो रहा है, टीम इंडिया ने बड़ा स्कोर किया है और ऑस्ट्रेलिया अब बैकफुट पर दिखाई पड़ गया और कंडीशंस भी भारत के पक्ष में नजर आ रहे हैं। लगातार हम इस पर चर्चा करते रहेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।